जय श्री कृष्णा। आप सभी को श्री राधे राधे। आप सभी कैसे हो? तो आपका मेरे चैनल एमपी की बहू कविता में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, नेक्स्ट डे शाम को हम लोग तैयार व्यार होके और चीनू के घर के लिए रवाना हो गए हैं। चीनू के घर जाने से, दीदी के घर से चीनू के घर में काफ़ी डिस्टेंस है, तो बस ये वही मैं आप पिक्स दिखा रही हूँ जो वहाँ का एरिया है उसकी। उधर की ज़मीन अच्छी है तो आपको खेत भी हरे भरे दिखाई देंगे। शाम का मौसम था बहुत ही प्यारा, अच्छी ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही थी और हम पहुंच गए चीनू के घर। चीनू की मम्मा चीनू को पपाया काट के खिलाने की तैयारी कर रही थी। वो सरप्राइज़ थी क्योंकि हमने पहले से नहीं बताया था कि हम आ रहे हैं। तो बस ये देखिए, चीनू की मम्मा ने चीनू को पपाया खिलाया और चीनू हमें काफ़ी समय के बाद मिल रहा था, तो वो हमें देख के शौक था। हम उसका सिचुएशन समझ नहीं पा रहे थे कि वो हमें देख के खुश हो रहा है या शौक हो रहा है कि ये कौन आया मेरे घर। फिर क्या था, वेदांश ने की हमारी खातिरदारी और ये देखिए ठंडा ठंडा पानी। इसके बाद हमने बोला चलो पहले घूमने चलते हैं। तो चीनू उसकी मम्मा को लेके हम निकले चीनू के खेत में घूमने जाने के लिए। चीनू के घर के सामने से ही खेत स्टार्ट हो जाते हैं। चीनू का घर हाईवे पे है, रोड पे बहुत चलता है। तो बस हमने बोला चलो थोड़ी देर घूम के आते हैं, मूड फ्रेश करके आते हैं और फिर आके खाना वाना बनाएंगे। तो बस ये हम निकल गए बच्चों को लेके अपने चीनू के खेत देखने के लिए। ये देखिए कितना सुंदर मौसम है, मौसम बहुत प्यारा था, बहुत प्यारी हवा चल रही थी और चीनू को खिलाए जा रहे थे हम। चीनू पहले हमें पहचान नहीं रहा था, इसके बाद चीनू ने हमें पहचाना। रास्ते में मिली हमें आइसक्रीम, फिर क्या था, बच्चों ने बोला कि आइसक्रीम पार्टी की जाए। तो बस ये देखिए यहीं पे आइसक्रीम का लुत्फ़ उठा रहे हैं। देखिए आइसक्रीम तो हमेशा खाते हैं, पर जो गाँव वाली आइसक्रीम हो और जब सामने फैमिली मेम्बर हो तो फिर तो मज़ा ही दोगुना है। आइसक्रीम जो टपक रही थी ना हमें खाने से ज़्यादा उसमें मज़ा आ रहा था, टप 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 के आइसक्रीम को संभाल संभाल के खाने में कि अब गिरी। और बस ये देखिए यहाँ हमने चीनू को पहली बार आइसक्रीम खिलाई और आप उसका रिएक्शन देखिए क्या रिएक्शन है। तो आइए देखते हैं चीनू का रिएक्शन। ओ चीनू ठंडा लगा बेटा आपको? चीनू को आइसक्रीम खिलाने के बाद हम और आगे वापस रिटर्न हुए घर के लिए, क्योंकि शाम का समय था, बच्चे साथ में थे, ऐसा लग रहा था कि शायद ठंडी हवा चल रही है, पानी भी आ सकता है। तो बस हम आए घर पे, यहाँ हमने बनाया खाना क्योंकि हम ज़्यादा लोग थे, तो दो लोगों ने चपातियाँ बनाई। ये देखिए इंडक्शन पे भी बन रही है और गैस पे भी, गर्मा गर्म चपाती और भिंडी की सब्जी रानी ने बनाई। इसके बाद खाना खा के हम लोगों ने किया आराम और फिर बताते हैं हम आपको कि हम गए कहाँ हैं नेक्स्ट डे। तो इसलिए तो हम इकट्ठे हुए थे कि हम कहीं जा रहे हैं। तो ये देखिए नेक्स्ट डे हम रेडी होके और निकल गए हैं। अब आप मुझे बताइए कहाँ का व्यू है, अगर आप पहचानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि अधिकतर वीडियो में आप हमारे साथ गए हो तो आप पहचानने लगे होंगे। चलिए मैं ही बता देती हूँ, ये माँ नर्मदा का तट है जिसे पार करके आपको जाना होता है जहाँ हम जा रहे हैं। अभी सस्पेंस बना हुआ है, आप समझे हम कहाँ जा रहे हैं? देखिए माँ नर्मदा का तट, अभी तो आप माँ नर्मदा जी का दर्शन कीजिए। नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम, नर्मदा मैया की बहुत ही प्यारी दर्शन कीजिए। सूर्य की छवि उस पर दिखाई दे रही थी, बहुत सुंदर दृश्य। और इस पुल को पार करने के बाद मैं अब आपको बता ही देती हूँ, हम जा रहे हैं विजयासन धाम, विजयासन देवी के दर्शन के लिए। और ये लीजिए चीनू आ गया है हमारे साथ विजयासन धाम, ये माँ विजयासन देवी का प्रांगण जहाँ पे बहुत ही सुंदर दृश्य, भक्त ही भक्त नज़र आ रहे हैं सब दूर। मौसम बहुत सुहाना था, माता जी का मंदिर भी बहुत ही सुंदर है और यहाँ पे इसको देवी लोग बना रहे हैं तो और काम भी चल रहा है। हम गए थे नवरात्रि के समय इसलिए भीड़ भी ज़्यादा है। माता रानी के दर्शन किए हमने यहाँ पर, बहुत ही अच्छे से दर्शन किए, कुछ पिक्स ली। और ये चीनू जो हमारी गोदी में खेल रहा है, वो उसके मम्मा पापा को छोड़ के हमसे दोस्ती हो गई, फिर हमारे ही पास रहा। ये पूरे फैमिली मेम्बर्स यहाँ, मार्केट में भी शॉपिंग की हमने। इसके बाद जब दर्शन करके हमने नीचे उतरे तो आंधी तूफान का मौसम हो गया था। यहाँ पर उन्होंने ऐसी व्यवस्था करी थी कि आप आपका व्हीकल लेके सलकनपुर में ऊपर नहीं जा सकते हैं, उन्हीं की जिप्सी से आपको जाना पड़ेगा। तो बस हम उसी से गए और नीचे उतरते उतरते आंधी तूफान आने लगे थे, तो हमने बहुत जल्दी करी घर पहुँचने की। और घर जाते जाते ये देखिए ओलावृष्टि शुरू हो गई और ये हमने ओले बिने। इसके बाद जब मौसम ठीक हुआ तो हम रात को मेमो ट्रेन से वापस हमारे घर के लिए निकले। मैंने आपको बताया था मैं काशी से जाने में बहुत परेशान हुई थी, तो मैंने बोला नहीं आप काशी से नहीं जाएंगे और बस हम जा रहे हैं हमारी मेमो से। मेमो में काफ़ी कंफर्टेबल था, सीट भी अच्छे से मिल गई थी बहुत ही आराम से, क्योंकि नवरात्रि में गई थी तो भीड़ का था मुझे पर नहीं मिली और
अच्छे से आराम हो जाने की वजह से नेक्स्ट डे मेरी इच्छा थी कि माता जी के दर्शन करके आ गई हूँ तो कन्या भोज कराया जाए, तो बस इसमें बहुत अच्छे से जगह मिल गई और रात को ही हम दर्शन करने के बाद हमारे घर पहुँच गए। नेक्स्ट डे देखिए मैंने क्या प्रिपरेशन करी, नेक्स्ट डे मैंने बनाई खीर पूड़ी और बस ये उसी की कुछ तैयारी है। हमारे यहाँ बच्चों को टॉफ़ी पसंद है तो टॉफ़ी बच्चों के लिए, और फिर मैंने करवाया कन्या भोजन। ये देखिए छोटी छोटी प्यारी प्यारी कन्या हमारे यहाँ मिल गई थी, थोड़े से भेरू पापा भी दिख रहे हैं, बच्चों को सभी को बुला लेती हूँ मैं। और कन्या भोज करवाने के बाद ये आई उनको टॉफ़ी बांटने की तैयारी, बच्चे टॉफ़ी में बहुत खुश होते हैं। तो बस यहाँ कन्या भोजन करवाया, इसी के बाद हमारे यहाँ शादी थी तो वो दुल्हन को भी जिमाना था, तो बस दुल्हन का भी मैंने कन्या भोजन के साथ निमंत्रण कर दिया, दुल्हन को भी जिमा दिया। यहाँ खीर पूरी बनाई थी मैंने, सब्जी बनाई थी, हमारे इधर के क्षेत्र में यही बनाते हैं, चने की दाल सब्जी पूरी और जलेबी वगैरह मैंने बुलवाई थी, वो खिलाई बच्चों को। और इसी के साथ मेरा ये ब्लॉग पूरा कंप्लीट करती हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे आप सभी।